हेलो हेलो हरी से मैं अनिल बोल रहा हूँ। अनिल, अबे तू कब्र तोड़ के भाग गया क्या? अबे तू तो हवालात में था, निकल भागा क्या वहां से? जेल तोड़ दी? देख अनिल, मुझसे आज से दूर दूर ही रह तू। खबरदार, जो मुझे दोबारा फोन किया तो आज से ना मैं तुझे जानता हूँ ना तू मुझे जानता है। ठीक है, मुसीबत के वक्त साथ नहीं देना चाहते मत तू, ना आज से मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे। ओके ओके ओके, मगर जो कुछ मैं जानता हूँ उसका क्या? क्या मतलब? मैडम नैना के कत्ल के बारे में। अबे चुप, दीवारों के भी कान होते हैं, होठ सी ले। होठ सी के फांसी पे चढ़ जाऊं क्या? हाँ चढ़ जा, इस माया मोह से मुक्त हो जाएगा, आजादी मिल जाएगी तुझे, क्या रखा इस संसार में। ठीक है, तो आपको भी इस मोह माया की जाल से हम मुक्ति दिला देते हैं। ओके ओके, क्या कहा तुम्हें? सिंपल, दोनों फांसी की यात्रा साथ में करते हैं। पागल हो गया क्या? तो क्या बकवास कर रहा है, नशे में है क्या? देखो हरीश सेठ, बहुत डायलॉगबाजी हो गई, समझ गए ना? अब मुझे यहाँ से छुड़ाने का बंदोबस्त करा दो, वरना अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बाय बाय तुम्हें भी ले डूबूंगा। पकपक बंद कर, करता हूँ कोई इंतजाम। जल्दी। हाँ जल्दी। तो ऐसा इंतजाम करूंगा मैं कि इस जन्म में दोबारा जबान खुलेगी नहीं तेरी। आइए। अरे ये ताला, भाई साहब ये जो यहाँ रहती है मिस नेहा, हाँ ये लोग तो कहीं गए हैं। कहाँ गए हैं और कब गए हैं? ये तो मालूम नहीं, शायद कहीं बाहर गए हैं सामान के साथ जाते देखा था। सामान के साथ? हाँ। क्या होगा मेरा? मेरे पूज्य पिता श्री नरेश मल्होत्रा जी के रास्ते से एक और गवाह को टपका दिया गया। अखबार में लिखा है अनिल को किसी ने गोली मार दी। किसने? उसका नाम तो नहीं लिखा, लेकिन दो ही आदमियों को उससे खतरा था, एक हरीश भाई और दूसरे मेरे पूज्य पिताश्री। सब कहते हैं इंसान बहुत तरक्की कर गया है, क्या यही तरक्की है? अगर किसी से आपको खतरा हो तो सुपारी दो और उड़ा दो उसे, ऐसा तो इंसान जानवरों के साथ भी नहीं करता। माँ, आजकल इंसान इंसान कहा रहा है, हैवान बन गए, और उन हैवानों की लिस्ट में मेरे पिताश्री का भी नाम है।
बेटे को बेटा मानने से इनकार करते हैं, लेकिन मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है। और एक दिन ये खून जरूर चढ़कर बोलेगा। अभी कार्ड देखिए। कार्ड? मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी है ये, अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन का कार्ड है ये। वो तो मैं जानती हूँ, मगर इसमें ऐसी क्या खास बात है? खास बात ये है कि इसमें लिखा है, करण मल्होत्रा की फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए उसके पिता श्री नरेश मल्होत्रा आएंगे। वो ना ही आएंगे और ना ही उद्घाटन करेंगे। मैं जानता हूँ कि वो नहीं आएंगे, लेकिन ये पढ़कर वो परेशान तो होंगे। हमारी उलझन का कुछ हिस्सा उनके दामन में भी गिरेगा, अखबारों में खबर छपेगी, सारी दुनिया को पता चलेगा, मजा आएगा। माँ, तू अपने बाप को नहीं जानता बेटा। पूरी दुनिया की मर्जी एक तरफ और उनकी मर्जी एक तरफ। नहीं मम्मी, अगर समुंदर की सीमा है तो बाप की भी सीमा है। मैं चलता हूँ अपने नाजायज बाप के घर, उन्हें ये कार्ड दिखाना और न्योता भी देना। मेरी बात मान ले बेटा, वो नहीं आएंगे। माँ, मुझे मालूम है वो नहीं आएंगे, लेकिन ये पढ़कर परेशान तो होंगे। और इस वक्त मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, मैं चलता हूँ। देख दीपा, एक बात का तो मुझे तजुर्बा हो गया है, जो आदत डाली जाती है वो छोड़ी भी जा सकती है। नेहा, इसमें हालात का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई भी इंसान बिना वजह गुमराह होना नहीं चाहता है, और फिर अकेला सुन, तो सबसे पहले तू अपना अकेला बन दूर कर, मेरी बात मान, तू शादी कर ले। हाँ शादी? लेकिन किससे? कोई पसंद भी तो आए। देख दीपा, लव मैरिजेस वाले कितने घर सुखी हैं। हाँ, हमारे पुराने रीति रिवाज ही अच्छे हैं। जो प्यार आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है वो निपटा भी ज्यादा है। लव मैरिजेस में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है और वो कभी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो तू ही कोई लड़का पसंद कर लेना मेरे लिए। ओके, बट व्हाट अबाउट यू नेहा, तू शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरे जख्म अभी तक भरे नहीं हैं दीपा, दिल में वो ऐसा बसा है कि निकल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की प्यार को नफरत में बदलने की, लेकिन एक्सक्यूज मी, देख के आती हूँ। करण, ये है मेरी फ्रेंड दीपा। दीपा, करण। करण मल्होत्रा। हाउ इंटरेस्टिंग, इसका मतलब मल्होत्रा खानदान से रिश्तेदारी है। जी हाँ, नेहा मेरी बहन। बहन? नेहा, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है। चीनी कितनी लोगे करण? एक चम्मच। मैं तो दो चम्मच लेती हूँ। अगर आप तीन चम्मच भी लेंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए चाय, मेरा मतलब है ये लो चाय। शुक्रिया नेहा, अगले हफ्ते मेरी फैक्ट्री की ओपनिंग से आप सब लोगों को आना। क्या मैं भी आ सकती हूँ? अवश्य। तुमने ये क्या लिख दिया करण? करण मल्होत्रा सिर्फ नरेश मल्होत्रा? इसमें हैरत की क्या बात है नेहा, बेटा अपने बाप का ही नाम तो लिखेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया करण, पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। बात पर नाराज करवा रही है मुझे। नमस्ते पापा। शट अप, समझदार से मुझे पापा खा दो। तो फिर क्या कहूँ? डैडी, पिताजी, या फादर, या इससे कहो दफा हो जाए यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आपका इस तरीके से चिल्लाना, यूं गुस्सा करना, इस सच को झूठ में नहीं बदल सकता। उद्घाटन के लिए आप ही आएंगे पापा।
कार्ड के हमारे इस रिश्ते के वक्त पर पहुंच जाएगा पापा। दोबारा मुझे पापा कहा तो पापा 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 क्या करें पापा प्लीज अपन चलिए प्लीज ना छोड़ो मुझे कंट्रोल यसेल दीपा इसे लेकर जाओ प्लीज चलो आप चलो मैं इंतजार करूंगा पापा चलो करें जीते रहो कर आओ अंदर आओ। ये है देवयानी नरेश की बहन। तो मतलब मेरी क्या हुई मतलब नेहा की? वही जो करण की हुई हुआ। जब नरेश को मालूम होगा कि तुमने पिता की जगह उसका नाम दिया है वो तो आप इसे बाहर हो जाएगा। उन्हें पता लग चुका है और इस बात के लिए उसे थप्पड़ भी खा के आ रहा हूँ। बेटा ऐसा तो होना ही था। इसका मतलब वो उद्घाटन में नहीं आएगी। तब क्या करोगे तुम? तब की बात तब सोचूंगा। पर करण तुमने कुछ तो सोचा होगा। आप सभी तो आएंगे ना? हाँ क्यों नहीं हम सब आएंगे। लेकिन करण तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं उदार अच्छा 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 आओ ये लो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा माँ अरे रे रे भगवान करे इंटरव्यू में तुम कामयाब हो। अच्छा तो तुमने नरेश मल्होत्रा के साथ भी काम किया है? जी भाई देव भैये तुम अशोक मल्होत्रा को जानते हो? जी मैं उनका भांजा हूं। क्या तुम अशोक मल्होत्रा के भांजे हो? अरे तो भैया समझो तुम्हारा काम हो गया। सर मैं समझा नहीं। यूं समझ लो भैया कि अशोक मल्होत्रा जी 100% होनहार थे और बहुत ही डिपेंडेबल आदमी थे तो उनका असर तुम्हारे अंदर 50% तो आया ही होगा ना। ज्यादा भी तो हो सकता है। हो सकता है। अच्छा मेरा एक काम करो भैया उनसे कहना भैया कि वो हमसे आके मिल ले। अगर वो नहीं आए तो मैं उनसे जाके मिल लूंगा। मैं जरूर कह दूंगा सर। भैया उनसे एक बात और कहना कि हमारा धंधा कुछ दिनों के लिए ठंडा हो गया था लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक्सपोर्ट का काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे उनके साथ से जरूरत है। लेकिन सर वो तो बेटा जिंदगी बसर कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भैया काम करने वाला आदमी कभी खाली नहीं बैठ सकता। वो तो हमारे हालात खराब थे उन्हें छोड़कर थोड़ी जाना पड़ा। मैं उन्हें भेज दूंगा सर। उन्हें भेज दूंगा ये क्या मतलब हुआ? तुम भी आना भाई मुझे तुम दोनों की जरूरत है। ठीक है सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। देखिए माइल फाइल बेटे अब इस फाइल का मैं करता हूं। मैं कम इन ये देखकर हैरान क्यों हो गए? हैरान इसलिए कि बकरा खुद कसाई के पास कैसे आ गया। चलो अच्छा है कसाई हो ये तो मान लिया। मेरा मतलब है कि खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और खुद ही ऐसी बातें करते हो। दोस्ती का हाथ मेरा और वो भी तुम्हारी तरफ? बिल्कुल अभी तुम्हारा बेटा आया था। कोई बेटा बेटा नहीं ये तुम अच्छी तरह जानते हो। नहीं नरेश तुम्हारा ही बेटा है। और अगर उसे मेरा बेटा कहा तो जबान हलक से बाहर कर दूंगा समझे। तुम पिछले जन्म में मारपीट का भला चलाते थे क्या? आता है या देखो ये काट दे
उसमें साफ साफ लिखा है करण मल्होत्रा सन ऑफ नरेश मल्होत्रा, और ये कार्ड तुम्हारा बेटा कल सारे अखबारों में छपवा देने वाला है। उसके बाद तुम किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस की जबान हलकते बाहर निकालोगे? एक बात बताओ, मुझे देखकर हमेशा तुमसे फैल बाहर क्यों निकाल देते हो? देखो लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं, करण है तो आखिर तुम्हारी ही बदकारी का नतीजा ना, तो बेहतर है उसे अपना बेटा मान लो। मिर्ची लग गई क्या? लगता है इस करण के दांत चराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। धोखाधड़ी से आपका सारा पैसा जायदाद सब कुछ खा गया, आप चुप्पी साधे। अब कम से कम अपने और अपने परिवार के सुख के लिए नौकरी तो कीजिए, और वो भी नहीं करेंगे उस लुटेरे के खाते। नरेश मेरा भाई है, वो भी सगा। ये बात मैं 100 बार सुन चुकी हूँ और 100 बार इसका जवाब दे चुकी हूँ। मैं खून से बेवफाई नहीं कर सकता। मेरा खून भी तो वही है ना अशोक भैया। देवयानी बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक आप एक तरफा शराफत और भाईचारे के दामन से लुटते रहेंगे। जिंदगी भर लुटा है उसने, कम से कम तो होश में आ जाइए आप। देखिए हम सब एक तरफ है और आप अकेले एक तरफ। अकेले ही सही, लेकिन इंसानियत से गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं नौकरी करूँ तो कल निकल जाता हूँ दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक ठीक है, तो आप हमारी बात नहीं मानेंगे? नहीं। चलो किशन सामान बांधो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे दिव्यानी, ये सब क्या हो रहा है? हैं, क्या हो रहा है? जाने का मतलब है कि तुम मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो? मैं नहीं, आप नाता तोड़ रहे हैं हमसे। आप कर रहे हैं। आखिर क्यों आप इस घर की खुशियों को गम में बदल देना चाहते हो? आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या फिर अपने उस भाई के बारे में? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? हमारे बारे में तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। उनका अच्छा खासा एस्टैब्लिश बिजनेस है, उसे धक्का नहीं पहुंच सकता। और फिर उनका एक बिजनेस तो है, करोड़ों में खेल रहे। किशन मैंने कहा ना सामान बांधो। हाँ बांध लो। मेरा भी जब मैं नौकरी पर जाऊंगा तब भी दिव्यानी।